तेरा महबूब तेरा प्यार कोई और है ना, अब तेरा यार मेरे यार कोई और है ना। अब मुल्के हिंदुस्तान का एक चहीता शायर, नौजवानों की दिल की धड़कन, जनाब आदिल हेरा साहब, जो मौनात भंजन की सरजमी से तशरीफ़ लाए हैं, कि इस कदर कभी दुखी नहीं थे हम, इस कदर कभी दुखी नहीं थे हम जैसे अब हैं, कभी नहीं थे हम। और दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया होगा, आखिरी आदमी नहीं थे हम। कि हिजर में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। और चंद लोगों की मोहब्बत भी गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। माइक पर जनाब आदिल हेरा। दोस्तों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े भाई रहमतुल्लाह नेमतुल्लाह रहमानी साहब के क़यामगाह में हम तशरीफ़ फरमाए हैं। बड़े भाई शाहिद गौहर साहब भी हैं। आइए, बड़े भाई की फरमाइश है, एक गज़ल का मतला चंद शेर उससे कबल चार मिसरे तहत में बतौर ख़ास समात फरमाएं। कि चराग हो के भी बेनूर हो गया हूँ मैं, अब उसके दर से बहुत दूर हो गया हूँ मैं। कलम के जाम से छलकेगी फिर गज़ल कोई, किसी की याद में मसरूर हो गया हूँ। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाए तरन्नुम से। कि तेरा महबूब तेरा प्यार, तेरा महबूब तेरा प्यार कोई और है ना, तेरा महबूब तेरा महबूब तेरा प्यार कोई और है ना, अब तेरा यार मेरे यार कोई और है ना, अब तेरा यार। ये शेर बिलखसूस नाज़िम मुशायरा आली जनाब नेमतुल्लाह रहमानी साहब के हवाले। तेरा महबूब किस तरह आप ये बेपर्दा चले आए हैं, किस तरह आप ये बेपर्दा चले आए हैं, आपकी दीदे का हकदार कोई और है ना, आपकी दीदे का हकदार कोई और है ना। तेरी आँखों से ये गौहर जो निकल आता है, तेरी आँखों से ये गौहर जो निकल आता है, इसके आने का सबब जार कोई और है ना, इसके आने का सबब जार। और शेर आखिर समाज फरमाए। खाम खा तेरे ही चक्कर में पड़ा है ये दिल, खाम खा तेरे ही चक्कर में पड़ा है ये दिल, हुस्न का तेरे परसता रे कोई और
देना, उसने कहा तेरे परसता। और आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में समाप्त फरमाए, तेरा महबूब तेरा प्यार, दिल नादा को ये समझा, देहरा खुद ही तू, दिल नादा को ये समझा, देहरा खुद ही तू, तेरे अफसाने का किरदार रे कोई और है ना, तेरे अफसाने का किरदार। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।